जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिवाली न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश द्वारा 61 वादों का निस्तारण किया गया। पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 4 व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोरखपुर द्वारा 218 वादों का निस्तारण करते हुए 10,08,57,578 रुपए प्रति अवार्ड पारित किया गया। जनपद के अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता की गई, जिसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा आपराधिक प्रकृति के अनेकों वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा 89 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। समस्त न्यायालयों द्वारा 2,594 आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 6,83,655 रुपए वसूल किया गया। राजस्व व अन्य विभागों द्वारा 3,52,541 प्री लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4,09,591 वाद आए थे, जिसमें 3,80,862 वादों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी व अपर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय सहित अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, सुचारू रूप से एक राज्य के संचलन के लिए एक
सुचारू न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये हमारे आदिकाल से इसे कहा गया है और यदि इसका पालन हमने नहीं किया तो चारों तरफ एक अव्यवस्था की स्थिति बनेगी। आपके परिवार का ही आपका भाई है और ठीक रहे, प्रयास कर रहे हैं तो सहयोग करिए। आज के कार्यक्रम के गाथा को लिखने के लिए मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई श्री जी के पांडे साहब, हमारे साथ पहले के कर्म क्षेत्र से अपने कंधा से कंधा मिला करके जूझ रहे भाई ओझा साहब, हम सबके परिवार की रीढ़ की हड्डी के रूप में अपने को स्थापित किए हुए प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री गौतम साहब, गोरखपुर जिला प्रशासन का नेतृत्व करते हुए, जिला अधिकारी का नेतृत्व करते हुए एडीएम साहब, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश और हमारे नोडल अधिकारी एवं आप सब, लेता हूं और बातें करने को इच्छुक रहता हूं, इस सत्य से आप अवगत हैं, लेकिन जब वक्त कार्य का हो तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कार्य से ही हम अपनी बात को कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, हमारी कुर्सी बड़ी हो ये जरूरी नहीं है, हम अपने व्यक्तित्व को बड़ा करें ये ज्यादा जरूरी है और वो आज के दिन में हमारे कार्यों से ही होगा। लोक अदालत के विषय, लोक अदालत का उद्देश्य या लोक अदालत के संबंध में आपको कोई जागरूक करने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूं। सिर्फ एक पैगाम है जो हम सबके मुखिया माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय ने आज प्रातः हमें अपना आशीर्वाद दिया और देते हुए उन्होंने एक बात कही कि भैया मैं चाहता हूं कि प्रथम तीर में हम रहे विगत कई लोक अदालत से, इस बार हम प्रथम होना चाहते हैं। तो मैंने उनसे वादा किया है और आप सबके दम पर किया है, आप सबके जोश जुनून उत्साह और एकजुटता से किया है। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है कि सिर्फ अपने विचार को एकत्रित करके अपना कार्य संपादित करें, परिणाम आप विश्वास रखिए ईश्वर अच्छा ही देगा। सभी को मेरी शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद। छोटे छोटे जो शमनीय मामले हैं जो बातचीत से निस्तारित हो सकते हैं उन्हीं मामलों का किया जाता है और आज भी उसी प्रकार पूरे राष्ट्र में और गोरखपुर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिनमें छोटे आपराधिक मामले हैं, शमनीय मामले हैं और ऐसे भी दीवानी के मामले हैं, मोटर दुर्घटना के मामले हैं, पारिवारिक न्यायालय संबंधित मामले हैं, ऐसे सभी मामलों का निस्तारण किया जाए।